हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लाहौरी रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट किया था और आज हम कहीं और जा रहे हैं डिनर करने। अरसल, कहाँ जा रहे हैं हम? हम हलाल गिरो जा रहे हैं। नॉर्थ फर्स्ट स्ट्रीट पे सैमसंग का हेड ऑफिस भी वहाँ पर है और जगह जो है वो गो टू प्लेस है, जहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा बैठ के खाते नहीं है, लेके जाते हैं अपने घर पे, लेकिन हम वहीं पे बैठ के खाएंगे। आपको देखेंगे थोड़ा सा एम्बियंस, वहाँ का टेस्ट आपको बताएंगे कि कैसा है। सैना क्लारा के अपने सारे जितने भी हमारे विसिनिटी के जो एरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसको सबको कवर अप कर रहे हैं। नाजी, अगर आप दिखाएं, हमारे 6 मिनट का रास्ता है सिर्फ हमारे घर से। सो ये इसीलिए हमने लगाया था कि आपको आइडिया हो कि कितना दूर है, और अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो बस हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है खाना। तो चलें, मिलते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। ये सैना क्लारा का एरिया है। लेफ्ट साइड पे टाउन हाउसेस हैं, राइट साइड पे अपार्टमेंट्स थे, अभी टाउन हाउसेस आए हैं, और आगे जाते ही हम लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पे करीबी पुलिस स्टेशन भी करीबी है और सुपर स्टोर्स हैं, सारी शॉप्स अवेलेबल, मीन्स बहुत ही करीब है, हम वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब सामान होता है साथ में तो वॉक ज्यादा कर नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ पे भी गाड़ी में जाके भी क्रॉसिंग करके आते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे सर्दी भी अब थोड़ी कम हो गई है पहले से। 65 फ़ारेनहाइट है राइट नाउ। यस, करेक्ट। और ये रोड सीधी जाती है लवाइज स्टेडियम पे भी, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और वो रोड अक्सर जो है वो मतलब ऑलमोस्ट वीकेंड्स पे बिजी मिलती है, उन्होंने रीराउट किए हुए होते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये दुनिया में हर जगह पे ऐसा होता है। मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने पूरा राउट दिखाया है जिसमें मैं क्रॉसिंग करके आई थी और वहाँ पे लवाइज स्टेडियम में गेम चल रहा था। वो सारी मेरी वीडियो है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये हर जगह पे होता है क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। इनफैक्ट दुबई से अभी होकर आए तो दुबई के अंदर भी जो अभी उन्होंने स्टेडियम भी वहाँ पर भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ था सारा एरिया, और काफी ज्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जैम था तो रीराउट कर रहे थे। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ हमारे कंट्रीज के अंदर नहीं, इंडिया पाकिस्तान में हर जगह ही ऐसा होता है कि उसमें रीराउट करते हैं। देखें, यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देखें सामने, ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर सारे जाने वालों के लिए रोड ब्लॉक करी हुई है और रीराउट कर रहे हैं बेसिकली। तो लेफ्ट जाएंगे तो स्टेडियम आ जाएगा, राइट साइड पे जाएंगे तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स सैमसंग हेड ऑफिस सैना क्लारा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये ASML बहुत बड़ी कंपनी है। ये है सैमसंग का हेडक्वार्टर। क्या बोला तूने? कहाँ पड़ा तुम्हारा सैमसंग? ये सारा हमारे घर के बहुत ही करीब है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 miles अवे है, जैसे कि अरसल ने बताया, 6 मिनट का रास्ता है। तो हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, सामने है बिल्कुल सैमसंग का हेडक्वार्टर और इसी के सामने है बिल्कुल ये हलाल गिरो एक्सप्रेस। तो यहाँ से हम खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हाउ इज़ द फूड। ओके, हम लोग ये पहुंच गए हैं और यहाँ का एम्बियंस ऐसा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं खाने के और डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर भी जाते हैं। ऑर्डर का टाइम आ गया है तो ऑर्डर में क्या नाजी, आप क्या? मैं तो वो लूंगी फिलेज चिकन स्टेक एंड ये वाला फिलेज चिकन, सॉरी फिलेज चीज स्टेक। फिलेज चीज स्टेक लोगे? ओके, और मैं इसके अंदर लैम्ब टिक्का और चिकन टिक्का सेकंड डील करूंगा। ओके ओके, लेट्स गो। आज इनके पास रश बहुत ज्यादा था, इसलिए इन्होंने हमें 15 मिनट का वेट कराया है। नॉर्मली राइट अवे ऑर्डर रेडी होते हैं, लेकिन आज देर से ऑर्डर आया लेकिन आ गया है। तो ये है अरसल का चिकन एंड लैम्ब टिक्का कॉम्बो है ये, इसमें राइस है और ब्रेड है जिसको हम नान कहते हैं, और सैलड है, और मैंने ऑर्डर किया था ये चीज फिली स्टिक, और इसके अंदर बीफ है, इसके अंदर फिलिंग बीफ है और काफी जूसी लग रहा है। यस भाई, ये क्या है? तो ये है टोटल। ठीक है, तो चलें आप तो फिर बताएं कि कैसा इसका टेस्ट होगा और फिर हम एंजॉय करेंगे। या डेफिनेटली, तो ये अरसल आपका मोमेंट ऑफ ट्रस्ट। इट्स गुड एंड जूसी। जूसी। हम्म, ओके,
आई थिंक इसमें इन्होंने सॉस डाला है जिसकी वजह से ये जूसी है, और बीफ भी जो है वो सख्त नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी। How's that? This is really good. Wow! Beautiful! Yeah. Really yummy. Is it spicy? No. I think for spice I have to use this. Oh, okay. Good. तो ये भी आप ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें और फिर इसको भी बताइए कि कैसा है, राइट? मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन आप भी ट्राई करें, ठीक है? इसके साथ थोड़ी सी ये चटनी मिक्स की है, एंड देन चटनी वही हमारी जैसे देसी बनती है, पुदीने की चटनी है, ये देखो पुदीने की चटनी है, बिल्कुल देसी टाइप चटनी है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी है, जिसमें थोड़ा सा लेमन भी इन्होंने मिक्स किया है, लेकिन बहुत अच्छी है टेस्ट के रिस्पेक्ट से, ये देसी वही देसी टच आ रहा है उसमें, ये थोड़ी चटनी इसके साथ मिक्स की है, ये आप या तो पहले खाएं एंड देन आप स्कूप लें चावल का, गुड। ओके, अब नाजिया जो है वो ट्राई कर रही है लैम्ब और चिकन, इसकी वर्ड्स जो मैंने मंगवाए थे राइस के साथ, और नाजिया बताएंगे कि क्या इसका टेस्ट उनको कैसा लगा, मुझे तो सही लगा, और मेरे पास से आ गया उनका ये सैंडविच आ गया मेरे पास, मैं बताऊंगा कि कैसा है। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सिंपल प्लेन है, प्लेन है, बहुत ज्यादा प्लेन है, बगैर सॉस के आप नहीं खा सकते, तो आप सॉस इसके अंदर ऐड करें, सॉस ऐड करें, इसमें चेक करें कि सॉस कैसा है। मैंने तो सॉस इसके साथ ट्राई किया था, लेकिन आपने देखा होगा मैंने कितनी क्वांटिटी खाई है, लाइक हार्डली बहुत ही कम, और बाकी सारा ये जो है वो टेक अवे होगा। लाइक चटनी के साथ यू कैन एंजॉय, लेकिन वैसे बहुत प्लेन है। यहाँ पे अलग अलग एथनिसिटीज के लोग आते हैं, कोई स्पाइसी खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, तो ये मीडियम रखते हैं, मतलब जो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता वो भी खा सके, जिसको स्पाइसी खाना है वो इन सॉसेस इन सॉसेस से खा सके, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो दैट्स द पर्पस ऑफ एक्चुअली द राइट, एग्जैक्टली। तो ये देखें, ये देखें, ये है इसका लैम्ब, कुछ बीफ स्टेक है, ये बीफ स्टेक के अंदर ये है, इसमें मायो भी लगा हुआ है, और ये इसके अंदर वो है चिली लगी हुई है, मैं जस्ट एक बाइट लेके बताता हूँ आपको, ये है बहुत टेंडर, बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा देसी और मायो के साथ खाना चाह रहे हैं, जैसे आप सैंडविचेस और स्लाइडर्स खाते हैं, उस लिहाज से ये बहुत मजेदार है और बहुत टेंडर है और बहुत मजेदार है। इसको मैं रेट करूंगा 9/10 टेस्ट के रिस्पेक्ट से, और इसके अंदर जो मीट है वो भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है कि कोई स्मेल आ रही है। अच्छा, इसका जो मैं रेट करूंगा वो करूंगा 7/10, रीजन बीइंग के ये जो राइस है इसमें थोड़ा सा हार्डर साइड का है, और जो इसमें गोश्त यूज किया हुआ है इन्होंने लैम्ब के अंदर और चिकन के अंदर, वो भी थोड़ा सा हार्ड है, वो सॉफ्ट नहीं है इसमें, ठीक है? तो ये हर एक की मतलब पसंद नहीं आएगा हर एक, और जहाँ तक स्पाइस की के रिस्पेक्ट से अगर आप पूछें तो हाँ, स्पाइस तो कम है इसमें, वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप बाहर से ऐड कर सकते हैं,
So 7 out of 10 for this chicken and beef lamb steak और skewers का और जो आपका ये sandwich है क्या नाम था इसका Philly cheese steak के अंदर 9 out of 10 I think I would rate the same. Nice, I would say 5 out of 10 अच्छा 5 out of 10 हाँ बिल्कुल सही है ठीक है बनाता हूँ ये अरसल का लेफ्ट ओवर है अरसल फिनिश नहीं कर सके वो इसलिए क्योंकि डिश बहुत बड़ी थी एक पर्सन के लिए नहीं थी एक से ज्यादा के लिए ही थी तो ये हम घर लेके जा रहे हैं यस अर्शा बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छी भी नहीं थी अभी हम दोनों फाइनल थॉट्स अपने बताते हैं कि क्या है इसके व्हाट इज ना जी फाइनल थॉट्स ये हैं कि राइस वाली डिश अच्छी नहीं थी लेकिन जो फिली स्टेक था वो अच्छा था और आई थिंक मीट भी टेंडर नहीं था और 100 मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था और राइस भी हम थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे खाते हैं तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पर ट्राई करेंगे सो ओवर टू यू गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एना जोस चैनल और आपको किसी नई जगह पे हम लेके चलेंगे और फिर वहाँ का खाना भी टेस्ट करवाएंगे कि कैसा है ठीक है थैंक यू ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ रुको डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर.